तो बड़ा जाओ यार, तुम छोटे हो ना, सारा स्वास्थ्य थोड़ा बढ़ते रहिए, थोड़ा पीछे नहीं साइड से होगा। मुनव्वर राना बहुत ही प्रदेश और देश के बड़े शायर थे। उन्होंने कई बार जो गज़ल या अपने लिखने के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया। कई शायरी, कई कविताएं उनकी बहुत लोकप्रिय रही और अक्सर जहां कहीं किसी कार्यक्रम में जाते थे, जो उन्होंने माँ के बारे में लिखा वो अक्सर लोग सुना करते थे। मैंने खुद देखा है कि कई कार्यक्रमों में बार बार उनसे कहने के लिए और सुनने का उनसे हमेशा निवेदन करते थे। उस पीढ़ी के एक शायर को समाज ने खोया है। ऐसे शायर कम आते हैं जो कई मौकों पर बहुत स्पष्ट होते हैं। अगर कोई बात मन में है, ये नहीं सोचते थे कि उसके कहने से क्या असर पड़ेगा, लेकिन जो बात मन में होती थी वो कभी मन में बात नहीं रखते थे। मेरा उनसे मिलना कई बार हुआ है। मुझे याद है इसी घर में सबसे पहले मुझे आदरणीय आजम खान साहब लेकर के आए थे। उस समय मुलाकात हुई, कई कार्यक्रमों में मुलाकात हुई है, सैफई में मुलाकात हुई जब वो कार्यक्रमों में आए हैं, और इस तरह कई कार्यक्रमों में मेरी मुलाकात होती रही है। उनकी छत अब कैसे पूरी होगी, और हमें उम्मीद है कि पूरा परिवार मिल करके रहेगा। जो दुख आया है इसको सहने के लिए भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, पूरे परिवार को हिम्मत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।